हे hey गाइस, आज मैं आपको कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर परिसर के असाधारण अलाइनमेंट को दिखाने जा रहा हूँ यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और जैसे ही मैं मंदिर के केंद्र में पहुंचा मुझे फर्श पर बना एक वर्ग मिला और इस वर्ग के बारे में कुछ बहुत ही अजीब है यह क्या है और इसे अंकोरवाट के मुख्य मीनार के फर्श पर क्यूँ घेरा गया है जब मैंने अपना फोन बीच में रखा और अपना कंपास खोला तो अचानक मुझे इसका अर्थ समझ में आया यह चार दिशाओं में पूरी तरह से अलाइंड है देखिए यह बहुत सटीक है मेरा फोन फर्श पर उकेरी गई रेखाओं के साथ बिल्कुल अलाइंड है कंपास सटीक 90 डिग्री का अलाइनमेंट दिखाता है कोड़ों में अंतर का एक अंश भी नहीं है इस रेखा को देखिए यह पूरी तरह से उत्तर की ओर उन्मुख है यह उत्तरी प्रवेश द्वार है यह रेखा पूर्णतया दक्षिण की ओर उन्मुख होती है अर्थात यह दक्षिणी प्रवेश द्वार है वह मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार है यह उत्तम है और वह पश्चिमी प्रवेश द्वार है चार प्रवेश द्वार ठीक दिशा के चार बिंदुओं से मेल खाते हैं यदि आप इस वर्ग पर खड़े होकर अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको अजीब लगता है क्योंकि आपको इसका एहसास होता है कि आपके आसपास सब कुछ पूरी तरह से कॉर्डिनल दिशा बिंदुओं के अलाइनमेंट के साथ बनाया गया है वो भी बिना किसी मानवीय त्रुटि के कहा जाता है कि यह प्राचीन हिंदू मंदिर कम से कम 900 साल पहले बना था तो प्राचीन बिल्डरों ने इस स्तर की सटीकता कैसे हासिल की और ऊपर देखिए छत पर 90 डिग्री के कोण पर चार रेखाएं आ रही हैं प्रत्येक रेखा सटीक दिशा बिंदु से आती है और केंद्र पर मिलती है यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की तुलना में अधिक दिशा रेखाएं भी दिखाई देंगी हाँ आप उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भी देख सकते हैं सभी आठ रेखाएं फर्श पर वर्ग के ठीक ऊपर छत पर मिलती हैं। इस तरह की व्यवस्था का होना बहुत अजीब है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है लेकिन यह दिमाग को हिला देने वाला है पता है क्यों यह मंदिर कई हजार साल पुराना हो सकता है लेकिन मुख्यधारा के पुरातात्विक गणना से भी इसका निर्माण लगभग 1120 सौ एडी यानी 900 साल पहले हुआ था आपको कुछ परिपेक्ष्य देने के लिए उस समय यूरोप में कोई कंपास नहीं था पहला कंपास जो सिर्फ चार दिशाओं को दिखाने में सक्षम था इस मंदिर के निर्माण के 100 साल बाद लगभग 1200 सौ ईस्वी में यूरोप में बना था और यह मंदिर जिसे आदि मोजारों से बना हुआ माना जाता है बिना किसी त्रुटि के परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बना है यह आधुनिक समय के जीपीएस के सटीक स्तर की तरह है यह तर्क देना कि प्राचीन बिल्डरों ने सितारों सूर्य और चंद्रमा को देखा और इस तरह का अलाइनमेंट बनाया आप चुंबक से बने एक आदिम प्राकृतिक कंपास के साथ इस स्तर की सटीकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं आपको उन्नत तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी क्या यह संभव है कि अंकुरवाट को उन्नत प्राचीन तकनीक से बनाया गया हो अब हम एक कदम पीछे हटें और एक मिनट के लिए सोचें क्या इस स्तर की सटीकता के साथ निर्माण करना वाकई इतना कठिन है आखिरकार यह मुख्य संरचना है यह अंकुरट मंदिर परिसर के बिल्कुल केंद्र में है यह अंतिम पड़ाव है जिसमें मुख्य कक्ष है प्राचीन इंजीनियर्स ने इस संरचना के कोणों और दिशाओं पर पूरा ध्यान दिया होगा क्योंकि यह वस्तुतः आकर्षण का केंद्र है 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 ना? यह 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 केवल साबित करता है कि यह मुख्य संरचना पूरी तरह से अलाइंड है इसका मतलब यह नहीं है कि इस पूरे मंदिर परिसर में सब कुछ पूरी तरह से अलाइंड है यह पता लगाने के लिए कि क्या पूरा मंदिर परिसर पूरी तरह से अलाइंड है मुझे परिसर में और अधिक संरचनाओं की जांच करने की आवश्यकता है इसलिए मैंने मुख्य मीनार से नीचे उतरना शुरू किया क्योंकि अब मैं मंदिर परिसर के केंद्र में था लेकिन मैं परिसर के किनारे पर जाकर एक ऐसी संरचना खोजना चाहता था जो सीमाओं पर, पर परिसर की परिधि में हो, और यह एक बहुत बड़ा मंदिर है यह लगभग चार एकड़ का है तो मैं इस केंद्रीय क्षेत्र से बाहर चला गया पवित्र मंदिरों के क्षेत्र से बाहर निकला और आप इस मंदिर के टॉवरों से बहुत दूर इस छोटी सी संरचना को देख रहे हैं यही वह जगह है जहां मैं चल रहा था जमीनी दृश्य से आप देख सकते हैं कि मैं कितना दूर आ गया हूं। मैं वहां के मुख्य मीनार के अंदर था वहीं पर हमें वह जादुई वर्ग पूर्ण अलाइनमेंट के साथ मिला इस संरचना को मंदिर का एक हिस्सा भी नहीं माना जाता है भले ही यह परिसर के अंदर स्थित है पुरातत्वविद इसे पुस्तकालय कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसमें एक समय पर बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ रखे गए थे जैसे ही मैंने संरचना में प्रवेश किया मैंने फर्श के ठीक बीच में एक वर्ग देखा यह अजीब तरीके से मुझे पहले देखे हुए वर्ग की याद दिलाता है इस बार मैंने फोन को स्क्वायर के पास लाइन के ठीक ऊपर रखा है ताकि आप इसे अधिक सटीक रूप से देख सकें कि यह दिशा बिंदुओं से मेल खाता है या नहीं और हाँ यह अविश्वसनीय है क्योंकि यह रेखा पूर्व में पूरी तरह से अलाइंड है आप नब्बे डिग्री देख सकते हैं आप फर्श पर लाइन को आधुनिक समय के जीपीएस स्तर की सटीकता के साथ अलाइंट देख सकते हैं और यदि आप उस द्वार के माध्यम से ठीक उसी लाइन में देखते हैं तो कैमरा इसे नहीं देख सकता क्योंकि यह बहुत ब्राइट है लेकिन यदि आप इस स्थान पर जाते हैं और इसे अपनी नग्न आंखों से देखते हैं तो आप द्वार के माध्यम से अंकोर टावर्स को देख सकते हैं यह इंजीनियरिंग की सटीकता का दिमाग हिला देने वाला स्तर है तो यह वर्ग फिर से चार दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम का आदर्श सूचक है और देखें कि प्रत्येक प्रवेश कैसे दिशा बिंदु से पूरी तरह मेल खाता है अब मैंने बस ऊपर देखा और ठीक वही विशेषता पाई जहाँ चार रेखाए केंद्र में मिलती हैं मेरा मतलब है वे 900 साल पहले ऐसा कैसे कर सकते थे अब आपने अभी अभी कुछ असाधारण देखा है ठीक है क्योंकि इसका मतलब है कि पूरे मंदिर परिसर को जीपीएस स्तर की सटीकता के साथ बनाया गया था मैंने अभी आपको दो नमूने दिखाए हैं एक मंदिर के बीच में और दूसरा परिसर के किनारे से ये दोनों कई एकड़ की दूरी पर हैं और फिर भी वे पूरी सटीकता के साथ अलाइंड हैं। बस एक आधुनिक समय के इंजीनियर से पूछें कि क्या वह इस स्तर की सटीकता के साथ एक छोटा सा घर भी बना सकता है उत्तर होगा नहीं क्योंकि आप एक दस कमरों के घर को बनाने में भी इस स्तर की सटीकता को बनाए नहीं रख सकते तो तथाकथित आदिम प्राचीन लोग जो कथित तौर पर छेनी और हथौड़ों से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे एक मंदिर का निर्माण कैसे करते हैं जो 400 एकड़ में फैला है जहां हर संरचना दिशा बिंदुओं के साथ सटीक रूप से अलाइंड है अंकोरवाट का हवाई नजारा देखा जाए तो आप जितना ऊपर जाते हैं उतना ही कम ये मंदिर जैसा दिखता है यह ऊपर से देखने पर किसी विशाल का एक चिप या इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह दिखने लगता है मुझे आश्चर्य है कि यह अंतरिक्ष से कैसा दिखेगा क्योंकि यह इतना आश्चर्यजनक दिखता है और हम नहीं जानते कि प्राचीन बिल्डरों ने इस स्तर की सटीकता के साथ इस तरह के निर्माण को कैसे पूरा किया लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्यों इतनी सटीकता क्यों आवश्यक थी जब हम आज एक घर बनाते हैं तो हम इसे इस तरह की सटीकता के साथ नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें इस सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है हालांकि, जब हम उदाहरण के लिए उन तकनीकी उपकरणों का निर्माण करते हैं तो हम यथा संभव उन्हें बिना त्रुटि के साथ सटीक बनाने का प्रयास करते हैं क्या यह है विशाल परिसर केवल पूजा पाठ और कर्मकांड के लिए बनाया गया था या यह किसी अन्य उन्नत उद्देश्य के लिए बनाया गया था जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे हैं मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि हम यहाँ मौजूद प्राचीन तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं समझते हैं हम जानते हैं कि यह बहुत उन्नत है लेकिन हम नहीं जानते कि यह किसने किया कैसे किया और क्यों किया हमें इस बारे में बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है यह अजीब है क्योंकि जितना अधिक आप इसके बारे में सीखते हैं केवल एक ही चीज आपको समझ में आती है कि आप कुछ भी नहीं समझते हैं आप क्या सोचते हैं क्या प्राचीन बिल्डरों के पास आज की तरह ही उन्नत कंपास थे सटीकता का यह स्तर और कैसे संभव है कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा बाय